मध्य प्रदेश में अब मासूम बच्चियों और महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। जी हां, ऐसा एक सनसनीखेज मामला देवास जिले से सामने आया है, जहां जेल में सजा काट रहे एचआईवी पॉजिटिव कैदी ने 19 साल के विचाराधीन बंदी के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर डाला। मध्य प्रदेश में मासूम बच्चियों और महिलाओं के साथ बढ़ती जाति की घटनाएं किसी से छिपी नहीं है। मासूम बच्चियों के साथ अब प्रदेश में पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। हाल ही में ग्वालियर में एक पुजारी द्वारा बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य की घटना का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था। ये देवास जिले में सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां चोरी के मामले में 2 साल की सजा काट रहे एक कैदी ने जेल में बंद विचाराधीन बंदी के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर डाला। घटना 15 फरवरी की बताई जा रही है, जब बैरक नंबर 3 के आसपास रिपेयरिंग का काम चल रहा था। वहां अन्य कैदी काम कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी ने फरियादी को बहला फुसला कर बैरक नंबर 3 में ले गया और अप्राकृतिक कृत्य किया, जिसकी शिकायत पीड़ित ने उप जेल अधीक्षक को आवेदन देकर की। अधीक्षक ने आवेदन नाहर दरवाजा थाने पर पहुंचाया, जहां पर पुलिस ने आरोपी कैदी के खिलाफ केस दर्ज जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जेल बंद कैदी एड्स पीड़ित था। एक आरोपी है तो जेल के अंदर 34 में निरुद्ध है, यहाँ पे 3 जंगलाजी से बंद है। उसके द्वारा एक आवेदन दिया गया था यहाँ पे मुझे कि उसके साथ एक अन्य जो आरोपी चोरी के केस में बंद सजा काटा है, उसने उसके साथ में कुछ गलत काम किया है। तो चूंकि आवेदन के आधार पे मामला भारतीय दंड संहिता का था, इसलिए हमारे द्वारा उसका आवेदन लेकर जाँच हेतु थाना नाहर दरवाजा की ओर हो जाए। सर, जो उसमें आरोपी है, क्या कोई किसी बीमारी से पीड़ित है? हाँ, आरोपी के संबंध में जो जानकारी मिली है कि वो HIV पॉजिटिव है। वो उसकी हॉस्पिटल से उसकी कंटिन्यू दवाई है सर। ठीक है, प्रकरण दर्ज हुआ है सर इसमें अभी कुछ जी? आरोपी के खिलाफ सर क्या प्रकरण दर्ज हुआ है? धारा आरोपी के खिलाफ धारा 370 में प्रकरण दर्ज हुआ है। देवास से राम माल्या की रिपोर्ट।